नमस्कार, योगिता रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाएंगे। चलिए तुरंत इसकी रेसिपी देखते हैं। आइसक्रीम के लिए स्ट्रॉबेरी लिए मैंने, फ्रेश स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी एसेंस लगेगा हमें 2 से 3 ड्रॉप्स। यहाँ पे मैंने मिल्कमेड लिया है 1/2 कप। 1.5 कप मैंने व्हीप क्रीम ली है। और ये स्ट्रॉबेरी को हमें क्रश करके लेना है, एकदम प्यूरी बनानी है इसकी। बाउल लिया मैंने, उसमें ये व्हीप क्रीम ऐड करते हैं। 1.5 कप मैंने ली है यहाँ पे। और पहले मैंने फ्रीजर से निकाल के नॉर्मल रूम टेम्परेचर ला के इसको रखा था। हम इसे व्हीप करेंगे ब्लेंडर की सहायता से। मैं ब्लेंड एक मिनट में मैंने थोड़ा सा व्हीप किया इसको। अब इसमें हम मिलाएंगे मिल्क मेड, घर में बना हुआ है ये कंडेंस मिल्क, मिल्क मेड कंडेंस मिल्क कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। इसमें शक्कर है तो अलग से थोड़ी सी हम लोग शक्कर मिलाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश डालने वाले। ये थोड़ा सा इसमें खट्टापन रहता है, इसलिए 2 टेबलस्पून हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। ये पाउडर में मिलाएंगे हम ये 2 टीस्पून पाउडर शुगर। फिर से 1 मिनट इसको ब्लेंड करेंगे, मिक्स करके लेंगे, स्पैटुला से मिक्स करेंगे। दो मिनट तक इसको बीट करेंगे। मिनट है इसको मैंने बीट किया था। अब ये हो चुका है, अभी इसे साइड में रखते हैं। इसमें ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड करेंगे, फ्रेश स्ट्रॉबेरी है, क्रश करके ली मैंने जूसर के बर्तन में। 250 ग्राम्स है ये। इसको मिला लेंगे, देखिए कितना कलर मस्त आया है इसका। अभी इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे हम। स्ट्रॉबेरी एसेंस के 3 ड्रॉप डाल रही हूँ। अभी तक इसको फिर से बीट करना है, ज़्यादा फेंटना नहीं है हमें। इसको साइड में रख देते हैं, फिर से 1 मिनट तक इसे बीट करते हैं। एक मिनट हो गया है, देखिए हो गई अपनी आइसक्रीम की तैयारी पूरी। कैसा क्रीमी बना है अपना मिश्रण ये आइसक्रीम का, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का स्वाद तो बहुत बढ़िया आने वाला है आइसक्रीम के बैटर में। तो हम अभी इसको ट्रांसफर करेंगे। एक मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर लिया है, तो इसमें हम इसे डालते हैं। दूसरा लिया है मैंने यहाँ पे, उसमें भी ऐड कर। देखिए घर में बनाएंगे तो कितना बढ़िया बनता है, और ज़्यादा भी बनता है क्वांटिटी। जैसे पूरा हम ये मिश्रण इसमें डाल देंगे। देखिए 2 कंटेनर हमने भर लिए आइसक्रीम के। अभी इसको 10 से 12 घंटे तक फ्रीजर में रखना है। इसको मैं सील लगा देती हूँ, दोनों को कवर कर देंगे, और इसे 10 से 12 घंटे के बाद हम खोलते हैं। 10-12 घंटे के बाद देखिए आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है दोनों कंटेनर में। अभी इसमें से हम सर्विंग करके निकालते हैं, एक बाउल में सर्व करते। देखिए आइसक्रीम मस्त जमी है, सॉफ्ट एकदम। क्रीम स्कूप नहीं है तो मैं ऐसे निकाल दूंगी इसे। देखिए कैसा टेक्सचर आया है, इसे अभी बाउल में निकालती हूँ, दिखाती हूँ आपको। मैं हमेशा ऐसे निकालती हूँ। दूसरे भी कंटेनर से मैं निकाल के आपको बताती हूँ। देखिए से भी हम
देखिए कैसा टेक्सचर है, आप देख सकते हो। ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके ऊपर अभी स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी सिरप डाल रही हूँ मैं। इस गोल्डन बॉल्स है ये, इसको डेकोरेशन के लिए डाल रही हूँ, तो ऑप्शनल है। और इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी रख देंगे। अपनी स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। खाने का टाइम आ गया है, देखते चेक करते कैसी बनी है, टेस्ट करती हूँ। बहुत मस्त बने हैं, स्ट्रॉबेरी का मस्त फ्लेवर आ रहा है और सॉफ्ट टेक्सचर आया है। आज की आइसक्रीम की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तुरंत मिलते हैं ऐसी स्वादिष्ट वाली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।